सड़कों के पटरियों पर खड़े वाहनों के खिलाफ बुधवार को यातायात पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने महवा स्थित नवीन फल मंडी से अमरूद मंडी व हावड़ बंधा तक सड़क के दोनों तरफ सामान लदे वाहनों से बाधित हो रहे वाहनों का आरटीओ अधिनियम के तहत चालान किया तथा सड़क के दोनों पटरियों पर जो लोग ठेला खोमचा खड़ा कर यातायात को बाधित कर रहे थे उसको हटवाया गया और हिदायत दी गई कि सड़क के दोनों तरफ ठेला खोमचा खड़ा ना करें, अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर पूरे जनपद में बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है और सभी सीओ एसएचओ और चौकी प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इस दौरान चेकिंग कर गाड़ियों का चालान भी किया गया है। इस मौके पर यातायात निरीक्षक इख्तियार अहमद अंसारी, सुनील कुमार सान्याल सहित अन्य यातायात पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा,
ये 11 से 3 कप्तान साहब ने आज आदेश किया है सघन चेकिंग का अभियान पूरे जनपद में। उस क्रम में हमने शहर में भी सभी CEOs, SHO, चौकी प्रभारी और जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं शहर में उन सबको लगाया है इसमें। और बैरियर चेकिंग ऐप जो बनाया गया था उसको प्रयोग करने के लिए डाला गया। इसमें शुरू के एक घंटे में काफ़ी लोगों ने ऐप पे फ़ोटो भी डाली, जिन्होंने नहीं डाली उसको दोबारा उनको समझाया गया। उस ऐप पे फ़ोटो डाल रहे हैं, उनसे ट्रैक हो रहा है कहाँ चेकिंग कर रहे हैं, किस व्यक्ति की चेकिंग कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो डल रही है, समय और उसका अक्षांत और देशांतर वो सब उस ऐप में आ जाता है। उससे उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई अपराध कहीं आसपास में होता है तो उससे हम लोग मैच करके देख सकते हैं कि अगर वो अपराध करके व्यक्ति हमारे चेकिंग से गुजरा था तो अपराध को खोलने में भी इससे सहायता मिलती है।